आदाब, ये प्राइम न्यूज इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज है। आइए देखते हैं इस वक्त अहम खबर कर्नाटका के शहर बेलगावी से है। इस वक्त लोकसभा इलेक्शन की तैयारियां जोरों पर चली हुई है। फर्स्ट फेज सेकेंड फेज के इलेक्शन हो चुके हैं, अब थर्ड फेज की तैयारियों में पूरी पार्टियां लगी हुई है। इसी में सबसे अहम लीडर कर्नाटका के और मशहूर लीडर और हर एक के दिलों में बसने वाले और कर्नाटका के हाउसिंग मिनिस्टर माइनॉरिटीज मिनिस्टर जनाब जमीर अहमद खान का दौरा इस वक्त बेलगावी हुआ है और यहां पर वो जो है गोकाक पहुंचेंगे, जिसमें बेलगाम डिस्ट्रिक्ट है, चिकोड़ी डिस्ट्रिक्ट है। यहां पर ये कई सभाओं को जो है इलेक्शन प्रचार के जरिए लोगों को जो है कांग्रेस की तरफ माइल करने की कोशिश करेंगे। जमीर अहमद खान इस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे स्टार प्रचारक है। पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हुए इन्होंने आज बेलगाम पहुंचे हैं, जो सैकड़ों की तादाद में लोग उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। उनके चाहने वाले काफी हर एक शहर, हर एक गली, हर एक मोहल्ले में मौजूद हैं, क्योंकि वो सिर्फ जात धर्म के नहीं बल्कि इंसानियत के लीडर हैं और सबको लेकर चलने का जज्बा रखते हैं। इसीलिए उनके लोगों में उनके लिए प्यार मोहब्बत इतना है। और इसी संदर्भ में उनके साथ कई लोग मौजूद रहे, जिसमें वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर पाशा भी थे और बहुत सारे बेलगावी के लीडर जो इस वक्त मंसूर सैयद थे, मौलाना आलम साहब थे और भी बहुत सारे लोग इनको यहां पर रिसीव करने के लिए पहुंचे। जमीर अहमद खान का यही मकसद है कि इस बार जो है हिंदुस्तान के अंदर इंडिया अलायंस की हुकूमत बने और हिंदुस्तान को हम एक ऐसे ताकतवर मजबूत मुल्क बनाकर लेकर पेश करेंगे, जो दुनिया के अंदर भारत एक ताकतवर मुल्क बनकर उभरेगा। हम यहाँ पर नफरत की हवाओं को बंद करेंगे, मोहब्बत का पैगाम जारी करेंगे और आपस में इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम पेश करेंगे, क्योंकि हम इससे ही हिंदुस्तान की तरक्की में हाथ मिटा सकते हैं और नफरत के जरिए हम हिंदुस्तान को ऊंचे मकाम तक नहीं पहुंचा सकते। जमीर अहमद खान की ये सोच, ये कोशिश जो है पूरे स्टार प्रचारक के रूप में पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी यही चाहत है कि आने वाले 2024 में जो है इस वक्त इंडिया अलायंस की हुकूमत हिंदुस्तान पर कायम हो और हिंदुस्तान एक अमन पसंद और तरक्की पसंद और सबको लेकर चलने वाला मुल्क बने। आइए देखते हैं जमीर अहमद खान प्राइम न्यूज इंडिया से बात करते हुए किस तरह से अपने ख्यालात का भी इजहार किया। मैं जमील अहमद, प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज़ के खास बुलेटिन में आज हम बेलगावी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। कर्नाटका की एक मशहूर शख्सियत जो हर एक इंसानों के दिलों में बसती है, जनाब जमीर अहमद खान इस वक्त बेलगाम तशरीफ लाए हुए हैं और उनका मकसद यही है कि लोकसभा के ज़्यादा से ज़्यादा जो सीट है कर्नाटका से जीता कर इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर इंडिया अलायंस की हुकूमत कायम करने का एक अहद किया हुआ है। एक ऐसे मशहूर लीडर है, इन्हें कोई नहीं जानता, नहीं मैं तो कर्नाटक बोल रहा हूँ लेकिन हिंदुस्तान की ये शख्सियत है। सर, आप यहाँ पर आए और बेलगाम में आपका दौरा, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको इस वक्त यहाँ पर आना और लोकसभा के इलेक्शन की जो तैयारी है और आने वाला सिचुएशन क्या है? अभी फर्स्ट फेज का इलेक्शन तो कल ख़त्म हुआ, मेरे हिसाब से अभी तक एग्जिट पोल बाहर नहीं आया। मेरे को जो माहिती है 14 के अंदर कम से कम हम 10 जीतेंगे करके, क्योंकि मैंने भी लगातार एक दो महीने से 18 पार्लियामेंट्री क्षेत्र में गया। अभी बेलगाम आए हैं, 19वां पार्लियामेंट्री क्षेत्र है, 19वां पब्लिक ने जो आवाम के अंदर दे वांट चेंज, बदलाव चाहती है ये देश के अंदर, जो 10 साल से जो चल रहा है, जो महंगाई जो बढ़ रही है, जो प्रधानमंत्री से जो उम्मीद थी, उम्मीद के हिसाब से काम नहीं हुआ। गरीब मर गया उसके अंदर, गरीब मर गया। खाली लोग जात पात करके दिखा के वोट लेने की जद्दोजहद कोशिश करे। अब कांग्रेस का इतिहास निकाल के देखो, जब जब चुनाव आता है, जब जब आवाम के बीच में हम वोट मांगने के लिए जाते हैं तो हमारे प्रोग्राम बताते हैं, हम भाई हमने हमारी हुकूमत थी, हमने ये किया, अभी हमारी हुकूमत आएगी, हम ये करेंगे, अगर के वोट मांगते हैं। बीजेपी वाले ऐसे नहीं, उनके प्रोग्राम सही नहीं ना, कुछ भी प्रोग्राम नहीं है, सुनने हैं प्रोग्राम पढ़ने हैं, खाली हिंदू मुसलमान लगा के नफरत ला के वोट लेने की कोशिश। कितना दिन चलेगा, पूरे देश के अंदर बदलाव है। मैं बोलता हूँ, आप लिख के रख लीजिए तारीख डेट के साथ, लिख के रख दीजिए, इस बार कांग्रेस को हुकूमत बनाने से कोई रख सकता नहीं। बीजेपी वो कुछ भी करने दो, वो 210 या 215 के ऊपर उन लोग एनडीए जाएगी नहीं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की इलेक्शन सभा में मुसलमान ने सिर्फ मुसलमानी बच्चे ज़्यादा नहीं पैदा करता, अभी नरेंद्र मोदी जी के कितने भाई बहन हैं,
सात है। कितने भाई बहन है? योगी को कितने भाई बहन है? सात है। था वो, अभी वो अवेयरनेस आया, अभी कम हो गया वो, पहले के जमाने में था वो। अभी एक प्रधानमंत्री बोल के, इस तरह प्रधानमंत्री क्या होते हैं, देश का प्रधानमंत्री हो, हर एक का प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ का आवाम का प्रधानमंत्री है, तो हेट स्पीच उन्होंने ये उनकी जबानी नहीं कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था। प्रधानमंत्री मतलब क्या है, 140 करोड़ की आवाम का प्रधानमंत्री होता है वो, फिर एक कौम का नहीं होता है वो। खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलें।